हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज़ ललित जैन आई मैथमेटिक्स फैकल्टी इन रेजन इंस्टीट्यूट लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पोलिन स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने बेसिक्स पढ़े थे कि पोलिनोमल्स के अंदर किन किन टर्म्स को हम यूज़ में लेते हैं कितने uh, किस तरह से हम पोलिनोमल को क्लासीफाई करते हैं जिसको हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया था अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री उसके बाद हमने इसके कुछ ऑपरेशन देखे थे प्लस माइनस uh, आज हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ पोलिनल क्या होती है क्या टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर मैं कंसीडर करता हूं कि हमारा एक आ, किसी भी पॉलिनोमियल को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो इस तरह से होता है ऑफ एक्स इसको रीड क्या किया जाता है ऑफ एक्स पी कोई पॉलिनोमल है किस वेरिएबल वेरिएबल के के अंदर के अंदर पे P तो वेरिएमल को रिप्रेजेंट करता है और एक्स उसके अंदर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है तो किसी भी पॉलिनोम को रिप्रेजेंट या तो ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ फैक्स एच ऑफ फैक्स इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है तो सपोज मैं मान लेता हूँ कि कोई पोलिनोमल है हमारे पास ऑफ एक्स इस पोलिनोमल ऑफ एक्स की वैल्यूज जिस तरह से मैं एक्स की वैल्यूज चेंज करता जाऊंगा अपने पोलिनोमल अपनी वैल्यू चेंज करता जाएगा तो अगर मुझे सपोज एक्स इक्वल टू अल्फ़ा पर पोलिनोमल की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू अल्फा अपने पोलिनोमल में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा यानी पी ऑफ अल्फा क्या हो जाएगी हमारे पोलिनोमिल की एक्स इक्वल टू अल्फ़ा पर वैल्यू पोलिन की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स इक्वल टू अल्फ़ा पर पी ऑफ अल्फा जैसे इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं सपोज हमारे पास पी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर और मुझे चाहिए एट एक्स इक्वल टू जीरो पर पोलिनोमल पी ओफ़ एक्स की वैल्यू क्या है तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू जीरो हमारे पोलिनोमल में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा जैसे ही मैं एक्स इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट करूंगा इधर तो क्या बन जाएगा पी ओफ़ जीरो यानी पी ओफ जीरो की जीरो की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर जीरो सब्सटीट्यूट करते हैं जीरो स्क्वायर माइनस थ्री इंटू जीरो प्लस फोर ये तो जीरो ये भी जीरो और प्लस फोर यानी पी ओफ़ जीरो की वैल्यू कितनी है हमारे पास जीरो अगर मैं मुझे एक्स इक्वल टू वन पर वैल्यू चाहिए होगी तो क्या करूंगा मैं पॉलिनोमियल में एक्स इक्वल टू वन सब्सट्रीट्यूट करूंगा जैसे यहाँ पर एक्स इक्वल टू वन सब्सट्रीट्यूट करूंगा वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस फोर कितना दे देगा वन माइनस थ्री प्लस फोर इट मीन्स प्लस का टू अगर मुझे वैल्यू चाहिए सपोज एक्स इक्वल टू टू पर तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू टू हमारे पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा यानी पी टू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी टू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू प्लस फोर इट मीन्स फोर माइनस सिक्स प्लस फोर मीन्स टू यानी पी ऑफ टू की भी वैल्यू कितनी आ रही है टू आ रही है मतलब जिस भी वेरिएबल जिस पॉलिनोमल की जिस भी एक्स पर हमें वैल्यू चाहिए होगी हम उस पर क्या कर देंगे सब्सटीट्यूट कर देंगे पॉलिनोमल्स की वैल्यू वेरी करती है जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू चेंज करते जाओगे कभी वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है कभी वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हमें फाइंड करना है फाइंड करना है हमें इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोम एट एक्स इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा किसी भी पॉलिनोमियल को दे दिया जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स पर मतलब एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यूज निकालने को बोला जाएगा सपोज यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स क्या था फोर एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन और हमें वैल्यू निकालनी है एक्स इक्वल टू वन पर टू पर और माइनस वन पर सबसे पहले मैं वन पर बात करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा Substitute करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू वन तो पी ऑफ वन कितना हो जाएगा हमारा फोर इंटू वन का क्यूब माइनस टू इंटू वन स्क्वायर प्लस फाइव इंटू वन प्लस वन इट मीन्स फोर माइनस टू प्लस फाइव प्लस वन प्लस वालों को एक साथ ऐड करूँ तो फोर प्लस फाइव नाइन नाइन प्लस वन टेन और टेन माइनस टू इज एट यानी एक्स इक्वल टू वन पर पॉलिनॉर्मल की वैल्यू कितनी है एट अगर मैं x इक्वल टू सपोज टू की वैल्यू निकालनी होती तो मैं यहाँ पर टू सब्सटीट्यूट करता तो पी ऑफ टू की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी फोर इंटू टू क्यूब माइनस टू इंटू टू स्क्स फाइव इंटू टू प्लस वन टू का क्यूब होता है एट और एट इंटू फोर इज थर्टी टू टू स्क्वायर इज फोर फोर इंटू टू इज एट प्लस टेन प्लस वन तो प्लस में तो कितना हो गया फोर्टी थ्री माइनस एट जब हम करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें

ये तो हो जाएगा माइनस का इलेवन प्लस वन इज माइनस टेन इसका मतलब एक्स इक्वल टू माइनस वन पर पॉलिमल की वैल्यू कितनी है माइनस टेन मतलब पॉलिनोम की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है जीरो भी हो सकती है डिपेंड करता है आप किस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है क्वेश्चन है आपका इफ द वैल्यू ऑफ देखो इस बार आपको क्वेश्चन में पॉलिनोमल दिया हुआ है पीओ एक्स और आपसे बोला है कि एक्स इक्वल टू टू पर पॉलिनोमल की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव और आपको निकालना है कि के इक्वल टू क्या होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा x इक्वल टू माइनस फाइव हमारे पॉलिनोमल में सॉरी x इक्वल टू प्लस का टू पॉलिनोमल में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तब जाके मुझे पोलिनोमल p ऑफ माइनस टू की वैल्यू कितनी मिली होगी प्लस टू की वैल्यू कितनी मिली होगी माइनस फाइव देखो इसने क्या बोला है कि एक पोलिनोमल था x इक्वल टू टू पर इसकी वैल्यू कितनी है माइनस फाइव मतलब p ऑफ टू की वैल्यू कितनी है माइनस का फाइव मैं क्या कर रहा हूँ हमारे पोलिनॉमल में x इक्वल टू टू पुट कर रहा हूँ तो ये क्या होगा पी ऑफ टू इट मीन्स टू इन टू टू स्क्वायर माइनस के इन टू टू प्लस सेवनटीन इसकी वैल्यू कितनी है माइनस फाइव ये हो जाएगा एट माइनस टू के प्लस सेवनटीन माइनस टू के को हम एल एच एस में लेकर आएंगे तो प्लस टू के एट एंड सेवनटीन इज ट्वेंटी फाइव एंड माइनस फाइव को अगर मैं आर एच एस में लेकर जाऊंगा तो वो भी प्लस का फाइव इट मीन्स टू के इज थर्टी तो के कितना हो जाएगा आपका फिफ्टीन यानी के की वैल्यू कितनी मिली है फिफ्टीन अब देखो होता है क्या है कि कभी कभी पॉलिनोमियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है कभी नेगेटिव आती है और कभी जीरो आती है सपोज मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहा हूं कि एक्स स्क्वाइनस थ्री एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस टू आपका कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू आपका कोई पॉलिनोमियल और मैं इसमें एक्स इक्वल टू वन पुट कर रहा हूं कितना एक्स इक्वल टू वन तो हम पोलिनोम की वैल्यू क्या देखते हैं कि वन स्क्वायर माइनस थ्री प्लस वन इट मीन जीरो मतलब पोलिनोम की वैल्यू कितनी आ गई है जीरो तो एक्स की वो वैल्यूज जिस पर पोलिनोम क्या बन जाए जीरो वो क्या होती है पोलिनोम के रूट्स या फिर पोलिनोमल के जीरो देखो मैंने क्या बोला कि अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू पर पॉलिनोमल की वैल्यू जी जो बन जाए तो उस वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमेल या जीरो ऑफ पॉलिनोमेल तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है जीरो और रूट्स ऑफ पॉलिनोमेल क्या बोल रहा हूं मैं आपसे कि अगर कोई पॉलिनोमेल पी ऑफ़ एक्स है पी ऑफ़ एक्स को मैंने क्या मान लिया पॉलिनोमेल और अगर x इक्वल टू अल्फा पर पॉलिनोमियल की वैल्यू सपोज जीरो हो जाती है क्या बोला मैंने वेरिएबल x की अल्फा वैल्यू पर पी ऑफ अल्फा क्या बन रहा है जीरो इट मींस मैं क्या बोलूंगा कि एक्स इक्वल टू अल्फा हमारा क्या होगा polynomial का एक रूट होगा यानी इक्वल टू अल्फा इज या तो इसको रूट बोलो या इसको जीरो बोलो ऑफ पी ऑफ एक्स कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पोलिनोमल क्या बन जाए जीरो बन जाए वही हमारा क्या होता है जीरोस होता है तो आ, अगर मैं जीरोस नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं तो नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करता है पॉलीनोमियल के डिग्री पर जितनी पॉलीनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे मतलब अगर किसी पॉलीनोमियल की डिग्री टू है तो उसके जीरोस भी कितने होंगे टू यानी कि पॉलीनोमियल अपनी वैल्यू जीरो कितनी बार देगा दो बार क्योंकि हर रूट पर पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो होगी अगर डिग्री 2 है तो उसके दो रूट्स होंगे और हर रूट पर पॉलीनोमियल जीरो यानी उसके रूट उसके रूट्स भी कितने होंगे दो होंगे जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरो होंगे और उतनी ही बार पॉलिनॉमल क्या बनेगा जीरो बनेगा सपोज इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं फाइंड द रूट्स ऑफ फाइंड द रूट्स ऑफ पॉलिनॉमल एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर हमें फाइंड करना है पॉलिनोम एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर के रूट्स हमारा पोलिनॉमल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इसकी डिग्री कितनी है टू अगर इसकी डिग्री टू है तो उसके रूट्स भी कितने होंगे टू यानी ये अपनी पॉलिनोमल की अपनी वैल्यू जीरो कितनी बार करेगा टू टाइम्स अब निकालते कैसे हैं रूट्स वो देखते हैं प्रोसेस क्या होता है भाई पोलिनोम की वैल्यू जीरो करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा उस पोलिनोमिल को जीरो के इक्वल ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए इक्वेशन में और इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आना चाहिए कि ये क्वालिटिक इक्वेशन है तो क्वालिटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म यानी माइनस फाइव के दो ऐसा फैक्टर्स करो जिनका प्रोडक्ट कितना हो जाए वन इंटू फोर यहाँ पर माइनस फाइव के दो ऐसे दो ऐसे टर्म्स में स्प्लिट करना है जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए फोर आए तो मैं क्या कर रहा हूँ मिडिल टर्म को माइनस एक्स और माइनस फोर एक्स में स्प्लिट कर रहा हूँ और आगे की दो टर्म्स में से एक्स कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा एक्स माइनस वन और पीछे की दो टर्म्स में से माइनस फोर कॉमन लेने पर भी क्या मिलेगा एक्स माइनस वन ये स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म आप एड्थ क्लास में पढ़ के आओ कि किस तरह से टर्म्स को स्प्लिट किया जाता है अगेन uh, मिलता है और यहाँ से मिलेगा एक्स और यहाँ से मिलेगा फोर अब अगर दो पोलिन का प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों ही में से कोई किसी ना किसी एक प्रोडक्ट को तो क्या होना पड़ेगा जीरो होना पड़ेगा यानी अगर एक्स माइनस वन को मैं जीरो लेता हूँ तो एक्स कितना मिलेगा वन और अगर मैं एक्स माइनस फोर को जीरो लेता हूँ तो एक्स इक्वल टू कितना होगा फोर यानी एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू फोर आर रूट ऑफ इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू फोर पर वैल्यू क्या हो जाएगी इससे रिलेटेड कुछ और पर आते हैं क्वेश्चन है आपके पास इफ एक्स इक्वल टू माइनस टू is a root of x equal to minus 2 is a root of polynomial x cube plus 2 x square minus k x plus 8 then find the value of k. देखो आपके पास क्वेश्चन है कि आपका एक पोलिनोम आप दिया हुआ है आपको माइनस के एक्स प्लस एट आपका एक पोलिनोम है और आपको बोला गया है कि एक्स इक्वल टू माइनस टू इसका एक क्या है रूट है मतलब एक्स इक्वल टू माइनस टू पर इस पॉलिनोमल की वैल्यू कितनी रही होगी जीरो रही होगी और आपको क्या फाइंड करना है के की वैल्यू हमसे बोला है इफ एक्स इक्वल टू माइनस टू इज रूट देन वैल्यू ऑफ पोलिनोम इज जीरो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इफ एक्स इक्वल टू माइनस टू इज अ रूट ऑफ पॉलिनोम देन वैल्यू ऑफ पॉलिनोम इट एक्स इक्वल टू माइनस टू इज जीरो तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं एक्स इक्वल टू माइनस टू की वैल्यूज पॉलिनोमियल में पुट करता हूं ताकि ये कितना बन जाए जीरो तो सब एक्स क्यूब मतलब माइनस टू का क्यूब प्लस टू इंटू माइनस टू स्क्वायर

इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी केगी वैल्यू माइनस फोर है तो इस पॉलिनोम का एक रूट कितना होगा एक्स माइनस टू यह आपका प्रोसेस होता है कि किस तरह से इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है क्वेश्चन है आपके पास इफ एक्स इक्वल टू फोर बाई थ्री इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स क्यूब माइनस इलेवन एक्स प्लस के एक्स माइनस ट्वेंटी देखो से डेटा चेंज है इस बार आपको बोला गया है कि एक्स इक्वल टू फोर बाई थ्री मतलब कोई फ्रैक्शन वाली क्वांटिटी इस पॉलिमल एफ ओफ एक्स का क्या है एक जीरो फाइन करना है के अभी अभी मैंने बताया कि इफ एक्स इक्वल टू फोर बाई थ्री इज द रूट ऑफ एफ एक्स इसका मतलब क्या हुआ कि एफ फोर बाई थ्री की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए जीरो मतलब अगर मैं एक्स इक्वल टू फोर बाई थ्री हमारे गिवन पॉलिनोमल में पुट करूंगा तो वो कितना बन जाना चाहिए जीरो तो पुट कर देते हैं एफ ऑफ एक्स में हम एक्स इक्वल टू फोर बाई थ्री पुट कर रहे हैं तो सिक्स इंटू फोर बाई थ्री का क्यूब माइनस इलेवन इंटू फोर बाई थ्री स्क्वायर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ एक्स इक्व टू फोर बाई थ्री पुट कर रहा हूँ प्लस के इंटू फोर बाई थ्री माइनस ट्वेंटी इज टू जीरो सिक्स इंटू फोर का क्यूब होता है हमारा सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाई थ्री का क्यूब इट मीनस ट्वेंटी सेवन माइनस इलेवन इंटू फोर स्क्वायर इज सिक्सटीन और थ्री स्क्वायर इज नाइन प्लस फोर के अपॉन थ्री माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो थ्री से ये कटेगा टू टाइम्स एंड दिस इज कैंसिल बाय नाइन टाइम्स टू इंटू सिक्सटी फोर इज वन ट्वेंटी एट बाई नाइन इंटू सिक्सटीन कितना हो जाएगा वन सेवेंटी सिक्स बाई नाइन प्लस फोर बाई थ्री के माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो हमें के की वैल्यू चाहिए तो के को एल में रखें बाकी सबको कहाँ भेज देंगे आर में यानी कि फोर के बाई थ्री इक्वल टू माइनस ट्वेंटी जैसे आर में जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट बाई नाइन जो प्लस का था वो क्या हो जाएगा माइनस का और जो माइनस का वन सिक्स था वो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का वन सेवेंटी सिक्स बाय नाइन इस तरफ मैं एलसीएम ले रहा हूँ नाइन को नाइन इंटू ट्वेंटी वन एटी माइनस वन ट्वेंटी एट प्लस वन सेवेंटी सिक्स इज फोर के थ्री तो फोर के बाई थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस प्लस वालों को एक साथ ऐड कर रहा हूँ जीरो एंड सिक्स इज सिक्स एट एंड सेवन इज फाइव वन के री यानी थ्री फिफ्टी सिक्स माइनस वन ट्वेंटी एट बाई नाइन अगेन माइनस कर रहा हूँ सिक्सटीन माइनस एट इज एट फोर माइनस टू इज टू एंड थ्री माइनस वन इज अगेन टू तो के इक्वल्स टू फोर बाई थ्री उधर जाके क्या बन जाएगा थ्री बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई टू ट्वेंटी एट बाई नाइन थ्री से नाइन कैंसिल होगा थ्री टाइम्स और फोर से टू ट्वेंटी एट कितनी बार कैंसिल हो जाएगा फाइव एंड सेवन तो हमारा के इक्वल टू कितना आ रहा है फिफ्टी सेवन बाई थ्री यानी कि K के वैल्यू कितनी मिली है फिफ्टी सेवन बाई थ्री फिफ्टी सेवन बाई थ्री का मतलब अगर मैं वापस से कैलकुलेट करूँ तो कितना मिल जाएगा नाइनटीन मतलब अगर के के वैल्यू नाइनटीन है तो आपका फोर बाई थ्री इस पॉलिनोमल का एक क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इस बार टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन है कि आपको पॉलिनोमल के अंदर दो वेरिएबल्स मिलेंगे और उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि आपको दो रूट्स नजर आएंगे क्वेश्चन है आपका इफ एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू जीरो आर टू रूट्स ऑफ ऑफ दॉलीनोमल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस AX प्लस B. Find A and B. क्या बोला है ए और बी की वैल्यू तो सबसे पहले अगर एक्स इक्वल टू टू इस पॉलिनोम का जीरो हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए एक्स इक्वल टू टू पर की हो जानी चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूं पुट एक्स इक्वल टू टू इन एफ ऑफ एक्स तो एफ ऑफ टू कितना होगा टू इंटू टू क्यूब यहाँ पर टू के वैल्यू पुट कर रहा हूँ एक्स इक्वल टू टू पुट कर रहा हूँ माइनस फाइव इंटू टू स्क्वायर प्लस ए इंटू टू प्लस बी और इसकी वैल्यू कितनी बन जानी चाहिए ज़ीरो बन जानी चाहिए क्योंकि टू इसका क्या है एक रूट है तो टू का क्यूब इज सिक्सटीन टू का क्यूब इज एट एट इंटू टू इज सिक्सटीन फोर इंटू फाइव इज ट्वेंटी प्लस टू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो तो यहाँ से टू ए प्लस बी कितना मिल जाएगा आपको का फोर वन सेकेंड आपको बोला चाहिए जगह जीरो मिलेगा टू इंटू जीरो का क्यूब माइनस फाइव इंटू जीरो स्क्वायर प्लस ए इंटू जीरो प्लस बी इक्वेल टू जीरो आगे के सारे टर्म्स तो जीरो हो गई है b कितना मिला आपको जीरो बी तो के वैल्यू निकल चुकी है कितनी जीरो अब हमारा काम था ए के वैल्यू फाइंड करना हमें एक इक्वेशन पता है इक्वेशन वन इक्वेशन वन में अगर मैं बी इक्वल टू जीरो पुट कर दू तो हमें क्या मिल जाएगा ए मिल जाएगा यानी टू ए प्लस जीरो टू फोर तो ए इज फोर बाई टू मींस टू तो आपकी जो वैल्यूज है ए इक्वल टू टू होगी और बी इक्वल टू कितनी होगी जीरो होगी

Uh, क्या होती है पोलिनोमल के अंदर रिमाइंडर थ्योरम वैसे तो दो तरह की रिमाइंडर थ्योरम होती है एक नंबर सिस्टम के अंदर भी होती है और एक पॉलिनोमल के अंदर भी होती है तो हमें सिर्फ यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम पढ़नी है, कौन सी वाली है पॉलिनोमल वाली रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअल में होती क्या है मैं आपको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सपोज कोई पोलिनोमल है पीओ एक्स जिसकी डिग्री वन या वन से ज्यादा है मतलब पी ओफ एक्स पोलिनोमल है जिसकी डिग्री कितनी है वन या वन से ज्यादा और अगर मुझे इसे डिवाइड करना है किसी लीनियर पोलिनोम एक्स माइनस ए से मैंने क्या बोला कि कोई पॉलिनोमल पीओ एक्स है जिसको मुझे डिवाइड करना है किसी लीनियर पॉलिनोम एक्स माइनस ए से तो वॉट इज द रिमाइंडर हमें क्या निकालना है रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एक्स माइनस ए से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा और अगर मुझे डायरेक्टली रिमाइंडर निकालना है विदाउट डिविजन पे हमारे पास रिमाइंडर निकालने के दो मेथड्स है या तो मैं उसको कर दूं लेकिन लंबी -लंबी तो तो से डिवाइड करना है और मुझे कैलकुलेट करना है वट इज द रिमाइंडर तो इसका जो रिमाइंडर होता है वो हम कैसे निकालते हैं जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको जीरो के इक्वल करो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो एक्स इक्वल टू ए मिलेगा और इसको क्या कर दो

यह सिर्फ लीनियर के लिए अप्लाई होगा कि अगर मुझे किसी भी पॉलिनोमल को किसी लीनियर पॉलिनोमल से डिवाइड करना है तो मैं उसके अंदर क्या लगा सकता हूं रिमाइंडर थ्योरम तो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका स्टेटमेंट होता है कि इफ पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोम डिग्री इज वन और मोर देन वन इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए कोई भी लीनियर पॉलिनोमल वेर ए इज ए रियल नंबर देन रिमाइंडर इज पी ऑफ ए क्या मतलब है इसका कि मेरे को पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना था एक्स माइनस ए से तो जो आपका रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा पीओ ए इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो है जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या होना चाहिए लीनियर पॉलिनोम मतलब हमें पूरा प्रोसेस डिवीजन करने की जरूरत नहीं है अगर मुझे किसी लीनियर से डिवाइड करना मैं उसमें डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर आते हैं स्टेटमेंट से तो ये समझ में आती नहीं है इससे क्वेश्चन करेंगे तभी जाके क्लियर हो कि ये बोलना क्या चाहती है क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर वैन पॉलिनोमल ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस वन देखो आपको बोला गया है कि एक पॉलिनोमल है पी ओफ जिसको डिवाइड करना है x माइनस वन से और फाइंड क्या करना है रिमाइंडर तो आ, करना क्या है हमें पी ओफ एक्स को x माइनस वन से डिवाइड करना है हमारी रिमाइंडर थ्योरम हम क्या बोलती है कि अगर किसी पॉलिनोमल पी ओफ एक्स की डिग्री वन या वन से ज्यादा है बिल्कुल है जिसको मैं किसी लीनियर पॉलिनोमल एक्स माइनस से डिवाइड करो यहाँ पर एक्स माइनस मतलब एक्स माइनस तो ए की वैल्यू कितनी हो गई वन तो जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता था यानी कि यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा पी ऑफ वन तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा बाय रिमाइंडर इज पी ऑफ वन मतलब मुझे क्या करना है इस पॉलिनोमिल में एक्स इक्वल टू वन पुट करना है इसको याद इस तरह से रखा जाता है कि जिससे डिवाइड करना है उसको जीरो के इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल लो और इस एक्स की वैल्यू को कहाँ पुट कर दो गिवन पॉलिनोमियल में सेम वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि एक्स माइनस वन से डिवाइड करना है तो ऑफ वन पुट करना है पोलिनोम टू इंटू वन का तो क्यूब हो गया ट्वेल्व माइनस फाइव मतलब सेवन मतलब अगर मैं इस पोलिनोमल को x माइनस वन से डिवाइड करूंगा तो जो फाइनली हमारा रिमाइंडर होगा वो कितना होगा सेवन चाहो तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो डिवीजन मेथड से, वो भी हमारा रिमाइंडर कितना देगा सेवन ही देगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फोर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस हाफ देखो इस बार मुझे क्या करना है इस पॉलिनोमल को किससे डिवाइड करना है एक्स प्लस हाफ से एक्स प्लस हाफ से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ पहली चीज तो क्या जिससे डिवाइड कर तो रिमाइंडर निकल से रिमाइंडर निकल जाए तो हमने क्या बोला था मैंने क्या बताया था कि एक्स प्लस हाफ को हम जीरो के इक्वल करते हैं और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते वो कितनी मिलेगी आपको माइनस हाफ इसका मतलब हमें पोलिनोमल में कितना पुट करना है तो जो आपका रेमेंडर मिलेगा वो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा तो यहां से वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस हाफ मतलब हाफ को क्या करना है इस गिवन पॉलिनोम में पुट करना है यानी कि एक्स इक्वल टू माइनस हाफ में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ फोर इंटू माइनस हाफ का क्यूब माइनस टू इंटू माइनस हाफ स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस हाफ प्लस सिक्स अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो ये कितना मिलेगा फोर इंटू माइनस वन बाई एट माइनस टू इंटू वन बाय फोर माइनस फाइव बाई टू एंड प्लस सिक्स फोर से एट कटेगा टू टाइम्स यानी माइनस हाफ. टू से फोर कटेगा टू टाइम्स यानी अगेन माइनस हाफ. माइनस फाइव बाई टू प्लस सिक्स अगर मैं टू एल्सम लेता हूँ तो माइनस वन माइनस वन माइनस फाइव प्लस का ट्वेल्व तो माइनस का तो हो गया माइनस का सेवन प्लस का ट्वेल्व कैलकुलेट्री कैलकुलेशन करने के बाद ये कितना दे फाइव बाय टू इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिमिल को अगर मैं से डिवाइड कर रहा हूं तो हमारा रिमाइंडर कितना मिलेगा प्लस का फाइव बाय टू ये हमारा प्रोसेस होता है बाय रिमाइंडर थ्योरम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है क्वेश्चन है आपके पास The polynomial ax cube plus 3x square minus 13 and 2x cube minus 5x plus a are divided by are divided by x plus 2, and if the remainder in each case. फाइंड स्मॉल है क्वेश्चन क्या है आपके पास क्या आपके पास दो पोलिनोम है फर्स्ट पॉलिनोम इज एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एंड सेकेंड पॉलिनोम इज टू एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स प्लस ए दोनों के दोनों पोलिनोम को मुझे किससे डिवाइड करना था एक्स प्लस टू से और दोनों की केसेस में जो हमारे है वो क्या आ रहे? आ रहे रहे हैं हैं इक्वल और मुझे क्या फाइंड करना है स्मॉल a की वैल्यू देखो कंडीशन दो पोलिनोम को डिवाइड करना है एक्स प्लस टू से और दोनों ही कैसेस के जो रिमाइंडर्स है उन दोनों को आपस में इक्वल करा के मुझे स्मॉल ए की वैल्यू लेकर आनी है तो फर्स्ट पॉलिनोमल हमारा क्या था एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन को मुझे डिवाइड करना था एक्स प्लस टू से तो जब मैं इसको एक्स प्लस टू से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम वो क्या आएगा पी ऑफ माइनस टू क्यों आएगा क्योंकि जब मैं इसको जीरो के इक्वल करूंगा तो यहाँ से एक्स कितना मिल जाएगा माइनस टू और मुझे क्या पुट करना है इस पॉलिनोमल में माइनस टू की वैल्यू पुट करनी मतलब मैं माइनस टू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर ए इंटू माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू स्क्वायर थर्टीन माइनस टू का क्यूब इज माइनस एट ए प्लस ट्वेल्व माइनस थर्टीन इट मीन्स माइनस का एट ए माइनस वन ये तो क्या हुआ आपका रिमाइंडर नंबर पहले वाले केस में जब मैंने इसको एक्स प्लस टू से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर मिला है वो कितना मिला है माइनस का एट माइनस वन और अगर मैं सेकेंड केस की बात करूं कि सेकंड पॉलिनोमल था हमारा टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस है और मुझे इसको भी किससे डिवाइड करना था एक्स प्लस टू से अगर मुझे इस केस में रिमाइंडर चाहिए तो अगेन मुझे क्या पुट करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू माइनस टू क्योंकि इसको जीरो करते ही क्या दे देगा एक्स इक्वल टू माइनस टू और किस में पुट करना है उस पॉलिनोमल में तो जो हमारा रिमाइंडर मिलेगा वो किस तरह मिलेगा हमें पोलिनोमल में माइनस टू पुट करना है इट मीन्स टू इंटू माइनस टू का क्यूब माइनस फाइव इंटू माइनस टू प्लस ए तो जो हमारा सेकंड नंबर का रिमाइंडर आएगा वो कितना आ माइनस टू का क्यूब इज माइनस एट एंड इज सेकेंड रिमाइंडर हमसे क्या बोला था दोनों केसेस के रिमाइंडर आपस में क्या है इक्वल है और हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी थी मतलब यहां से क्या होगा कि पहला वाला जो रिमाइंडर है रिमाइंडर वन वो किसके इक्वल है रिमाइंडर नंबर टू के रिमाइंडर वन इज माइनस एट ए माइनस वन एंड रिमाइंडर सेकेंड इज माइनस सिक्स प्लस ए अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को एक तरफ लेके जाऊं और कांस्टेंट नंबर्स को दूसरी तरफ तो माइनस एट ए को अगर मैं उस तरफ लेकर जाऊंगा तो प्लस का एट है और प्लस एट है और ए मिलकर नाइन माइनस सिक्स इधर आएगा तो क्या दे देगा प्लस का फाइव तो यहाँ से ए इक्वल टू कितना आएगा फाइव बाई नाइन मतलब अगर ए इक्वल टू फाइव बाई नाइन है तो ये दो दोनों पोलिनोम है इनको x प्लस टू से डिवाइड करने पर हर के दोनों केसेस में रिमाइंडर कितना आएगा इक्वल आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन है आपके पास इफ पॉलिन पीओ फ्स टू एक्स की पावर फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इज सच डेट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x minus 1 and x plus 1 the remainders are respectively 5 and 19 determine the remainder when f p of x is divided by एक्स माइनस टू देखो क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ मैं पहले आपको कि आपके पास एक पॉलिनोमल पी ओफ एक्स है जिसकी डिग्री फोर है एक्स फोर माइनस टू एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी आपको इसे डिवाइड करना था डिवाइड किया अगर आपने एक्स माइनस वन से तो आपका रिमाइंडर है फाइव और अगर मैं इसी पॉलिनोमल को एक्स प्लस वन से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर इज नाइनटीन तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू मतलब अगर मुझे x माइनस टू से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है तो उसमें x करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं टू पुट करूंगा यहाँ पर प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर देगा a और b जो कि वेरिएबल्स हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये हुआ कि हमें a और b की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है ताकि मैं जब उसको x माइनस टू से डिवाइड करूँ तो मुझे एक नंबर मिल जाए तो ए और बी की वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास दो वेरियबल्स है इक्वेशन तो भी कितनी चाहिए दो इक्वेशन चाहिए पहले इक्वेशन कहां से मिलेगी एक्स माइनस वन से डिवाइड करने पर फाइव रिमाइंडर एंड सेकेंड इज एक्स प्लस वन से डिवाइड करने पर नाइनटीन रिमाइंडर तो क्वेश्चन uh, का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फोर एक्स माइनस वन अगर मैं पॉलिनोम पी ऑफ एक्स को x माइनस वन से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना था हमारा फाइव इसका मतलब x माइनस वन को जीरो के इक्वल करने पर x कितना मिला वन यानी पॉलिनोम पी ऑफ एक्स की x इक्वल टू वन पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए जीरो क्यों सॉरी जीरो क्या फाइव होनी चाहिए क्यों क्योंकि x माइनस वन से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर कितना है फाइव और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं उसमें एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर मतलब यहाँ से एक्स इक्वल टू वन अगर पोलिनोम तो उसका रिमाइंडर कितना मिलेगा 5 और is P of 1. यानी टू वन पर इसकी वैल्यू कितनी है फाइव तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ एक्स इक्वल टू वन तो पी ऑफ वन यानी वन की पावर फोर माइनस टू इंटू वन क्यूब प्लस थ्री इंटू वन स्क्वायर माइनस ए इंटू वन प्लस बीज इक्वल टू फाइव वन का वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस ए प्लस बी इक्वल टू फाइव प्लस वन एंड प्लस थ्री इज प्लस टू प्लस फोर प्लस फोर में से टू जाएगा तो प्लस का टू यानी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू कितना देगा सॉरी ये तो दे देगा प्लस का टू माइनस ए प्लस बी इक्वल टू फाइव इट मीन्स माइनस ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया थ्री ये आपकी इक्वेशन नंबर वन या अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो मैं यहाँ से बी की वैल्यू कितनी निकाल सकता हूँ तो इस बार x की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस वन और x इक्वल टू माइनस वन पर इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए क्यों क्योंकि x माइनस वन से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर कितना है नाइनटी और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर एक्स इक्वल टू यहां पर माइनस वन

ये तो हो गया प्लस का सिक्स उधर जाके क्या होगा माइनस तो ए प्लस बी कितना मिल गया थर्टीन अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन वन से यहाँ पर बी की वैल्यू पुट करूँ तो कितना मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन वन बी इज इक्वल टू ए प्लस थ्री था ए तो एज इट इज और बी की जगह मैंने पुट किया ए प्लस थ्री इक्वल टू थर्टीन तो टू टाइम्स ऑफ ए इज टेन तो ए इज मतलब आपकी ए की वैल्यू कितनी मिल गई है फाइव सेकेंड काम क्या है आपका बी की वैल्यू निकालना प्लस थ्री तो एज इक्वल टू था फाइव फाइव प्लस थ्री आपका कितना हो गया एट तो बी की वैल्यू कितनी मिल गई है आपको एट देखो आपका जो गिवन पॉलिमल था पीओ एक्स उसमें ए और बी दो वेरिएबल्स आ रहे थे तो हमारे जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी तो हमने निकाली ए इक्वल टू फाइव और बीवल टू एंडी लेकिन हमारा काम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ हमें ए और बी की वैल्यूज नहीं निकालनी हमें निकालना है कि उसी पॉलिनोमल को x माइनस टू से डिवाइड करने पर रिमाइंडर तो जब x माइनस टू की बात कर रहे हैं तो x इक्वल टू कितना पुट करेंगे टू किसमें हमारे गिवन पोलिनोम में गिवन पोलिनोम में जैसे ही टू पुट करेंगे टू की पावर फोर माइनस टू इंटू टू का क्यूब स्क्वायर माइनस ए इंटू टू एंड प्लस बी तो ये तो टू की पावर फोर तो दे देगा आपको सिक्सटीन टू इंटू टू का क्यूब इज ऑल्सो सिक्सटीन टू स्क्वायर इज फोर फोर इंटू थ्री इज ट्वेल्व

हमारे पॉलिनोमल में सब्सटीट्यूट करी तब जाके हमारा ऑफ टू कितना मिला हमें टेन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन है आपके पास द पॉलिनोमियल A x cube plus three x square minus three and two x cube minus five x plus a when divided by when divided by x minus four leaves the remainders R 1 and R2 respectively. Then then find find the remainder. Sorry, then find the value of a if ऑफ times of r1 minus r2 equal to जीरो okay. देखो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं आपके पास दो पॉलिनोमल फर्स्ट पॉलिनामेल इज ए एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एंड सेकेंड पॉलिनामेल इज टू एक्स cube

R1. और रिमाइंडर हैं एक्स माइनस फोर को जीरो करते ही एक्स कितना मिलेगा फोर और इस क्यूब प्लस इंटू फोर स्क्वास थ्री इट मीन फोर क्यूब इज सिक्स ए सिक्स थ्री मीन्स की जो वैल्यू आई है वो आई है सेकेंड हमारा जो दूसरा वाला पॉलिनोमल था वो था टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस ए इसको भी मुझे एक्स माइनस फोर से डिवाइड करना था और इसके केस में हमारा रिमाइंडर कितना आया है आर टू लाइक अगर मुझे आर टू की वैल्यू फाइंड करनी तो एक्स माइनस फोर को जीरो के इक्वल करने पर एक्स कितना दे देगा फोर और इस एक्स इक्वल टू फोर को हमें गिवन कॉलेनॉमल में पुट करना है तो जैसे ही मैं पुट करूंगा टू इंटू फोर का क्यूब माइनस फाइव इंटू फोर प्लस ए ये किसकी वैल्यू मिलेगी आपको R2 की और जब मैंने आर टू की वैल्यू कैलकुलेट करी तो कितनी मिली फोर कैलकुलेशन 64, 64 करूंगा तो आर टू इज वन जीरो हमने आर वन और आर टू की वैल्यूज निकाल ली इन टर्म्स ऑफ A, लेकिन मुझे तो ए की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ था गिवन रिलेशन कि टू टाइम्स ऑफ आर वन माइनस आर टू इक्वल टू जीरो था अगर मैं यहाँ पर आर वन और आर टू की वैल्यू पुट कर देता हूं तो हमें ए की वैल्यू डेफिनेटली मिल जाएगी आर वन इज सिक्सटी फोर ए प्लस फोर्टी फाइव माइनस आर टू इज वन जीरो एट प्लस ए इक्वल टू कितना जीरो टू इंटी टू इन टू सिक्स इज वन टी एट ए प्लस नाइनटी माइनस वन जीरो एट माइनस ए इक्वल टू जीरो तो ए तो कितना हो गया वन ट्वेंटी सेवन टाइम्स मतलब माइनस का 18, और उधर जाके क्या दे देगा प्लस का एटीन तो एज एटीन बाई वन टी सेवन तो ए की वैल्यू आपके कितनी मिली है एटीन बाई वन ट्वेंटी सेवन ये आज हमने जो देखा है वो पॉलिनोमल देखा है कि पॉलिनोम्स के अंदर किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं पॉलिनोमल्स क्या होती है रिमाइंडर सॉरी रिमाइंडर्स क्या होते हैं पॉलिनोमल को किसी भी लीनियर से डिवाइड करने पर किस तरह से रिमाइंडर निकाला जाता है पॉलीमेंडर थ्योरम क्या होती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमल्स क्या होते हैं जीरोस क्या होते हैं आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे फैक्टर थ्योरम क्या होती है डिविजन एल्गोरिथम थ्योरम क्या होती है uh, ये सारी चीज़ें थैंक यू वेरी मच